चांदी का बेपा
Yeah.
आप सब में से बहुत से व्यक्तियों को जानता हूँ, बहुत से आर्टिस्ट को जानता हूँ। आपके साथ अब लगभग 10 महीने मुझे यहाँ पे हो गए हैं, तो आप सबको परफॉर्म करते हुए और इतना जो हमारा रिच हम कह सकते हैं हमारा आर्ट और कल्चर है यहाँ का, आपने एक सबने बहुत इम्पोर्टेंट जिम्मा इसको आपने लिया हुआ है अपने सर कि इसको हम इसको जीवित रखें, इसको और जो रिवाइव करने वाले हमारे कल्चर है आर्ट है उसको रिवाइव करें। चलो चंबा एक अम्ब्रेला ब्रांड जो आप सब ने अपना मान के उसको उसके अंदर ये कार्य कर रहे हैं, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। ये आपका है, आपके द्वारा है, मैं तो एज अ गेस्ट ही आया हूँ आज आप सबके इस कार्य को देखने के लिए। और जो हमारी टीम है जितनी चंबा की, और क्योंकि हमने चलो चंबा के तहत जो हमारे उत्पाद हैं, जो हमारे आर्टिसंस जो हमारे सामान बना रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बन रहे हैं, उनको भी चलो चंबा के अंतर्गत जोड़ा जा रहा है। और वो सब हमारी समस्त टीम जो ग्रामीण विकास पंचायती राज की, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स अ टूरिज्म बेस्ड एक्टिविटी, तो DTDO साहब एंड हिज टीम आर डूइंग वॉट एवर दे कैन, और निरंतर हमारा प्रयास रहेगा आपके साथ लग के करते रहने का। बट मैं अंत में मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि ये आपके द्वारा किया गया है। मनोज जी यहाँ खड़े हैं, आई थिंक मतलब हैट्स ऑफ टू यू एंड योर फैमिली, योर टीम, और आपकी फैमिली ये भी है जो यहाँ भी बैठे हैं, धामी जी हैं, बाकी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं, इट्स ऑल योर्स, आपके द्वारा किया गया है। अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे लगता है ऐसा ऐसा एक ऐसे ऐसे कार्य हर क्षेत्र में चंबा के करने की आवश्यकता है। यहाँ से आपने एक इसको एक नया इनिशिएटिव के तौर पे ये लिया है, आई थिंक इट्स अ फर्स्ट कि सबको इन्वॉल्व करके लोकल लोगों को कैसे कार्य किया जा सकता है। एंड मुझे लगता है ये नई ऊंचाइयाँ छू सकता है, ना ही सिर्फ चमीनों में पर चंबा ज़िले के हर क्षेत्र में। मुझे पूरी उम्मीद है कि वील बी एबल टू ऑल्सो पुश फॉर दीज थिंग्स। आपको इस रूरल फेस्ट, चंबा रूरल फेस्ट के लिए, चलो चंबा रूरल फेस्ट के लिए फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इसको जो हमारे गणमान्य व्यक्ति जो आगे बैठे हैं हमारे मंच में, आज के मुख्य अतिथि महोदय हमारे DC साहब, हमारे विजय जी, पद्मश्री विजय जी, पीयूष राज जी, सलारिया जी, राठौर जी, प्रकाश चंद धामी जी, जो खुद में ही इस कॉम्युनिटी टूरिज्म का जिनका इनिशिएटिव आज से 30 साल पहले का, जो मुझे लगता है पूरे देश भर में एक इनिशिएटिव होगा तो इन्हीं का रहा होगा। तो आज ये जो प्रयास है ये स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है ताकि वो इम्पावर हो और आने वाले समय में वो एक बड़े आयोजन की तैयारी कर सकें। तो ये प्रयास पूरे गाँव के का एक सामूहिक प्रयास है, ये खाली नॉट ऑन मैप का या प्रशासन से मिले हुए सब ये सब का कम से कम 4 ऐसे स्वयं सहायता समूह हैं जो इसके अंदर अभी कार्यरत हैं। और इस तरह की जो ये गतिविधि होगी, जिस तरह से लोग जुड़ते जाएंगे ये कारवां बनता जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया कि ये काम होगा या अगले, पर आज का जो ये प्लान था कि आज की जो पूरी दिन की शुरुआत थी वो फर्स्ट इंस्टा मीट के साथ हुई, जिसके कम से कम 20 से 25 इंस्टाग्रामर जो चंबा के थे वो लोग सुबह उन्होंने शिरकत की और बातचीत की है कि चंबा की इस पहल को, चंबा की इस इनिशिएटिव को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और उसके बाद जो अभी तो इसका एक रूरल फेस्ट का आगाज़ हमने करना ही है, तो आज की जो एग्जीबिशन है जो सबसे पहले ऊपर लगी हुई है वो उन कम्युनिटी विलेज की है जो ऑलरेडी विलेज में कुछ काम कर रहे हैं। उसके बाद जो बच्चों की परफॉर्मेंस हुई है वो हमारे लोकल बच्चों की परफॉर्मेंस है यहाँ पे, जो कि गांव में 2-3 दिनों में ही सारा इन्होंने तैयारी की है, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही सारा प्लान हुआ कि चलो शुरुआत करते हैं। और कल शाम को खुद जब हमारा ये पोस्टर यहाँ से लॉन्च हुआ तो टूरिज्म गांधी कमेटी का मुझे फ़ोन ही आ गया कि भाई इसको और कैसे करना है। मैंने कहा कि अभी समय थोड़ा सा हमें लोकल लेवल पे काम करने की जरूरत है, थोड़ा हमें समय दीजिए, तो एक बहुत बड़ी बात है। और एक और बड़ी बात आज क्या सुबह हुई कि आज एक बड़ी घटना पूरे देश भर में घटने वाली है जिसमें चंबा फिर से जुड़ा है अपने आप। आज की स्थिति, आज सुबह एक और फ़ोन मुझे आया, वो फ़ोन इसलिए आया कि आज हमारे प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रधानमंत्री एक एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं कल्चर टूरिज्म को लेकर, और उसमें भी चंबा का अभी नाम जिक्र है। उम्मीद करते हैं कि ये जो फेस्टिवल की जो शुरुआत हुई है वो धीरे धीरे वो चलता जाना चाहिए। तो ये तो एक छोटी सी प्रयास है, बाकी इस तरह की तो धीरे धीरे ये कारवा बनता जाएगा। और आने वाले हमारा तो मकसद ये, उन्होंने जो चिंता जताई है खासकर जो टूरिज्म इंडस्ट्री के जो कंट्री के पायनियर लोग हैं जो कि इनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं,
जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से भी कुछ लोग जो बड़े लोग थे वो थे, यूनेस्को के लोगों का भी, वो लोग भी और इस इनिशिएटिव को वॉच कर रहे हैं। बट उनकी सिर्फ मेरा विनम्र निवेदन रहेगा गांव के लोगों से भी, प्रशासन से भी, और जो खासकर स्टेक होल्डर हैं, खासकर टूरिज्म इंडस्ट्री के जो भी लोग जुड़े हैं, उनका था कि अगर ये कैंपेन एक नेशनल रूरल सस्टेनेबल मिशन से जुड़ता है देन दिस विल बी ये नेशनल कैंपेन और नॉर्थ इंडिया का ये पहला डिस्ट्रिक्ट होगा जो ये कर पाएगा। अदरवाइज बाकी डिस्ट्रिक्ट तो अभी बड़े आगे जा चुके हैं, उनको संभालना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि जो हमारा थोड़ा दूर दराज होना जो होगा हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो इसी तरह की मतलब अगले चार दिनों में इसी तरह की कुछ ना कुछ गतिविधियाँ होती रहेंगी। आज जो हमारे समाज रहता समूह जो खासकर वुमेन थे, तो उस तरफ हमारा वुमेन किचन चल रहा है, इस तरफ हमारा सेल्फ समय सहायता समूह का इधर मेल वालों का चल रहा है, साथ में गांव के लोगों ने और भी तैयारी करके रखी हुई है, जो कि कुछ मिठाइयाँ बनाई हैं, किसी ने कुछ किया हुआ है। तो खासकर जो हमारा उस तरफ रफ़ी हाउस है, उन्होंने अपनी तरफ से तैयारी करके रखी हुई है, क्योंकि वो हिमाचल का हमारा पहला कम्युनिटी का होम स्टे है। इस तरह के चार पाँच होम स्टे और भी आस पास है। मकसद ये है कि चंबा के रुमाल जो, मुझे लगता है कि एक और बड़ी अच्छी बात यह है कि जिस तरह पूरे देश इस समय अयोध्या के मंदिर बनने के बाद जो माहौल बना हुआ है, तो हमारे चलो चंबा की जो स्वाई सहायता समूह है अनामिका जी का, जो कि उन्होंने भी एक रुमाल शुरू किया हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि वो भी एक बड़ा अच्छा, अगर दो चार दिन में जब बनेगा तो वो एक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा चंबा की तरफ से, राष्ट्रीय कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। सभी प्लीज, मेरा सभी से निवेदन है कि सभी यहाँ पर आ जाएं, जितने भी हमारे गेस्ट हैं प्लीज सभी मंच के पास आ जाएं।